आ गए आप शर्मा जी की स्पेशल वीडियो देखने के लिए। ये है शर्मा जी की स्पेशल वीडियो, नाम रखा है हमने विशेष, विशेष बोले तो स्पेशल, और हिंदी में रखा है विशेष। क्या विशेष मिलेगा वीडियो देखने के बाद पता लगेगा, लेकिन नाम तो यही है भाई साहब कि विशेष शर्मा जी की स्पेशल वीडियो। काफ़ी दिन हो गए ना वेट करते हुए, तो फटाफट से शुरू करते हैं। जा कहाँ रहे हो? अरे वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, थोड़ा दिल थाम के रखो भाई, शर्मा जी की वीडियो है, अपने स्टाइल में शुरू करेंगे ना। कैसे हैं? तो नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेंडिंग न्यूज़ के सेक्शन में अगर बात करें तो यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी एम सीरीज जो है वो काफ़ी पॉपुलर रहा पिछले कुछ दिनों से। साथ ही साथ रेडमी के नोट 7 ने चाइना में लॉन्च के बाद इंडिया में जो है बहुत सारी उम्मीदें जगा दी हैं कि भाई साहब रेडमी का नोट 7 जो है किस तरह से आएगा। और ऑनर ने अपना ऑनर का 10 लाइट इंडिया में लॉन्च किया और वो चाहते हैं कि भाई साहब कुछ चमत्कारी काम यहाँ पर जो है वो हो जाए। गैलेक्सी एम सीरीज़ का आपने जो है वो देख लिया है यहाँ पर कि वो ऑनलाइन सीरीज़ आने वाले हैं अमेजोन के ऊपर, 28 जनवरी को जो है वो लॉन्च होगा। लेकिन यहाँ पर जो सीरीज़ है ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर, इसलिए अपनी स्पेसिफिकेशन को और उसकी प्राइस को देखते हुए, स्पेसिफिकेशन आपने यहाँ पर देख ली, काफ़ी यहाँ पर जो है किलर निकलने वाली है। और जो प्राइस है 7,990 से स्टार्टिंग यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन जाएगी यहाँ पर जो है 15,000 से 20,000 रुपये तक। तो वो देखना यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा कि ये सीरीज़ जो है आज की तारीख में जो करंट ऑनलाइन प्लेयर हैं, चाहे वो रियलमी हो, रेडमी हो, एसूस हो या फिर ऑनर हो, इनको कितना जो है वो बीट कर पाएगी। रेडमी का नोट 7 जब से चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया वालों को बड़ी ही उत्तेजना जो है वो उत्सुकता हो रही है कि भैया इंडिया में कब आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो निकल के आई वो ये है कि रेडमी का जो नोट 7 प्रो है, अगर वो आएगा इंडिया में तो और ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन के 660 के साथ में जो अभी नोट 7 को लॉन्च किया है, जो कि यहाँ पर लगता है कि मतलब कॉम्पिटिशन से इतना मज़ा जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसूस का जेनफोन M2 जो है वो पहले ही 660 के साथ में अवेलेबल है, साथ में यहाँ पर रियलमी का जो U1 है वो भी है। तो अगर रेडमी यहाँ पर नोट 7 प्रो यहाँ पर लेके आता है स्नैपड्रैगन के 675 के साथ में, तब कुछ यहाँ पर मज़ेदार बात जो है वो हो सकती है। और ऑनर को लगा कि वो ऑनर का 10 लाइट जो है अपने किरीन 710 के साथ में लॉन्च करके जो है वो यहाँ पर वाहवाही पालेंगे, लेकिन ऐसा मुझे जो है वो नहीं लगता है, क्योंकि उसका जो फ़ोन है उतना ज़बरदस्त मुझे जो है वो नहीं लगा। चाहे वार्डरोब नॉच हो, बैटरी वहाँ पर बड़ी कमज़ोर रही, 3400 mAh की थी, 2 megapixel कैमरा से तो मुझे बड़ा ही नफरत है, और मैं कहता हूँ कि पकड़े रहना छोड़ना नहीं, ये फेविकोल का इतना मजबूत जोड़ जो है वो नहीं होना चाहिए, चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती रहनी चाहिए जिस तरह से एसूस यहाँ पे करता रहता है। तो देखना होगा यहाँ पर अगले हफ्ते कि कौन ट्रेंडिंग न्यूज़ में जो है बन पाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला सेक्शन बड़ा पसंद आया होगा। प्रोडक्ट ऑफ द वीक की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस हफ्ते लॉन्च हुआ था, कीमत उसकी बढ़िया थी, क्वालिटी बढ़िया थी, और जो उसका यहाँ पर जो रिव्यू हमने किया था वो भी आपने शायद जो है वो देखा ही होगा। तो मैं यहाँ पर जो है बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ यहाँ पर Xiaomi के मी साउंड बार की। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो मिलता है, बाकी आप इसकी ऑडियो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं क्विक रिकैप आपको भी हूँ यहाँ पे, तो 5,000 रुपये की कीमत में ये जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपको 8 ड्राइवर्स के सेटअप के अंदर मिलता है, 2 इसमें आपको जो स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्विटर दिए गए और 4 एडिटर दिए गए हैं, जिससे साउंड का आउटपुट जो आपको बड़ा ही अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है एम्पल इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन भी जो है वो दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द ईयर होता है यहाँ पर हमारे इस वीडियो के अंदर। लिंक दे देते हैं आपको, अगर आपको लगता है कि आपको ले लेना चाहिए, आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में, टीवी के साथ में या फिर किसी भी और चीज़ के साथ में यूज़ करना चाहें तो ज़रूर से कर सकते हैं। हम इसको अपने जो डेस्कटॉप के साथ में भी जो वो यूज़ कर रहे हैं। अलेक्सा, 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 From इस सेक्शन में आपको बताने वाला है कि ऐसा एक प्रोडक्ट जो आपके लाइफस्टाइल के साथ में जो है वो कहीं ना कहीं मैच कर सकता है। हालांकि अलेक्सा को आप कितना भी धीरे बोलें या कितना भी जोर से बोलें वो सुन लेती है, हालांकि इस बार नहीं सुनी। तो अलेक्सा ऐसी है कि आप बस बोलते रहो सुन लेगी, लेकिन जब मैं बोलूँगा इसको तब नहीं सुन रही है, मतलब बात करूँ तब नहीं सुन रही है, अगर मैं बोलूँगा ना इसको अलेक्सा सुन लेगी हाथों हाथ। मतलब ये कहती है प्यार से बोलो आप, ऐसे अलेक्सा अलेक्सा मत चिल्लाओ मेरे को, है ना। तो आजकल की लाइफस्टाइल, अच्छा भाई प्यार नहीं बताओ प्यार से। तो आजकल की लाइफ के अंदर आपको जो है वो वॉइस असिस्टेंट मिलते हैं बहुत सारे, मोस्टली आप जो है गूगल को तो यूज़ करते ही होंगे, सीरी भी यूज़ करते हो कुछ लोग जो एप्पल वाले हैं, और जो इन दोनों वाले नहीं हैं वो लोग जो है वो अलेक्सा को भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, और ये वाला जो है वो एक्को प्लस है, सेकंड जनरेशन वाला। हमने इसको जो हमने नहीं कंपनी ने भेजा था, और हमने इसको काफ़ी दिनों से यूज़ भी किया है और आपने देखा भी होगा। तो लाइफस्टाइल कहने का मतलब ये है कि आप इसके साथ में जो काफ़ी सारी बातें कर सकते हो, न्यूज़ व्यूज़ देख सकते हो, बच्चे भी इसको जो बात कर सकते हैं, वजस्वी जो काफ़ी इससे बातें करती है, और वजस्वी का फेवरेट है कि वो इसको शटअप बोल देती है, लेकिन हाँ उसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें करती रहती है।
अलेक्सा गिव मी एन अप्लॉज। ये वाली तो आपने टीवी में ऐड भी देखी होगी, है ना? ठीक है अलेक्सा, फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर मी। देखते हैं कुछ मिलता है क्या इसको। अरे बस कर पगली अलेक्सा, बस अलेक्सा स्टॉप। पागल हो गई बेचारी, ये तो बोली जा रही है। ये तो मतलब मशीन की डेफिनेशन सुना दी इसने अच्छे तरीके से। मैंने तो ऐसे बोला था कुछ ढूंढे इंटरेस्टिंग सा, इसको मिला नहीं यहाँ पे। चलो जोक सुन लेते हैं, क्या ये शर्मा जी से बड़े जोक सुना सकती है या नहीं। अलेक्सा टेल मी ए जोक। I know a lift operator. He says the job has its ups and downs. ये भी कोई जोक था क्या? इससे बढ़िया तो मैं सुनाया था जोक। अलेक्सा टेल मी ए रजनीकांत जोक। What is the biggest contradiction in Rajnikant movies? Rajnikant, because there is nothing Rajnikant do. ओ तेरी रजनीकांत, सही बात है भाई साहब। तो इस तरह का कुछ ये डिवाइस है, तो आप इसको ज़रूर से जो है वो देख सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो। अदरवाइज़ दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं लाइसेंस यूज़ करने की। आने वाले एपिसोड्स के अंदर आपको और भी इंटरेस्टिंग तरह की चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके सजेशन है तो ज़रूर से दीजिएगा वीडियो के कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो इस सेशन के लिए हम जो है वो अपने घर से, अपने स्टूडियो से, ऑफिस से बाहर निकल के आ गए हैं और आ गए हैं यहाँ पर टेक पार्क के स्टूडियो में संचित के साथ में। बात करते हैं आप सेकंड ओपिनियन की, तो पहले बात करते हैं संचित, कैसा हालचाल है आपका और कैसा लग रहा है इस वीडियो में आकर? शर्मा जी मैं बहुत अच्छा, बस अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने मेरे को बहुत सारा बता दिया है कि ऐसी ऐसी बातें मैं पूछने वाला हूँ, तो होपफुली ज्यादा नहीं होंगी। मैंने कुछ नहीं बताया भाई साहब, ऐसे ही आई मतलब अपने आप ही जो है वो लगा देना है यहाँ पर कुछ। चाय भी हमारी पूरी हो गई है। बिल्कुल, चाय पे चर्चा हो चुकी है और अब करते हैं यहाँ पर सेकंड ओपिनियन की। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि Redmi का जो Note 7 है वो लॉन्च के बाद से ही जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया इंडिया में, बड़े एंटिसिपेशन हो गए हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं। तो आपकी क्या राय है उस नोट 7 के या फिर नोट 7 प्रो के बारे में? शर्मा जी मेरे को ऐसा लगता है कि Xiaomi ये ना पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने इंडिया में। मतलब अगर आप देखोगे लोग बहुत चाहते हैं, बिल्कुल इमोशनली कनेक्टेड है। और प्लस जब Redmi Note 7 आया ना तो मेरे को ऐसा लगा कि सच में Xiaomi ना बिल्कुल बीस्ट मोड ऑन करके बैठ गया अपना। क्या क्या दे दिया उसमें यार, इतना अच्छा प्रोसेसर है और इतनी अच्छी डिस्प्ले भी हो गई, ऊपर डिज़ाइन भी कुछ अलग सा लेकर आए। ये तो पहले जो है MI A2 Y2 सब जितने भी 2 सीरीज थी सारे सेम चल रहे थे, तो मेरे को लगा कि हाँ भाई इस बार जो है Xiaomi ने आग ही लगा दी। लेकिन अभी भी लगता है आपको ये डिज़ाइन कुछ नया है? नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से उठाया हुआ है ये। बट देखो अगर आप याद करोगे फरवरी में 2018 में Redmi Note 5 Pro आया था, उसके बाद कितनी कंपनी ने वो डिज़ाइन उठाया था। कितनी कंपनी ने, उसने खुद ने बेचारों ने कितने में उठा लिया था, Y2 MI A2 और पता नहीं क्या क्या, Mi Max 3 सब में उसमें ये डिज़ाइन था। तो मतलब फिर भी अगर Redmi का नोट, Redmi का 6 Pro हो, Redmi का 6 हो, 6 हो, सब मतलब सेम डिज़ाइन। तो मैंने कहा ना मतलब उन्होंने खुद भी उठाया और कंपनी ने भी उठाया और तो कंपनी ने, इन्होंने किसी कंपनी का उठा के चिपका दिया यहाँ पर। जो अपना क्या था वो iPhone 10 था, iPhone 10 ही था ना, डोंट कॉल इट 10 X, iPhone 10 को यहाँ पर। तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पकड़े रहना छोड़ना नहीं, Snapdragon का 660 लेके आ रहे हैं यहाँ पर, MI A2 में दे चुके हैं यहाँ पर 660 और 6 Pro में भी देने, 6 Pro में तो नहीं दिया हालांकि, लेकिन हाँ लगता है कि यार कहीं पकड़े रहना छोड़ना नहीं। नहीं मेरे को अच्छी बात ये लगी कि 2.2 GHz के साथ अंडरक्लॉक नहीं किया, नहीं तो बाकी सब अंडरक्लॉक किया था बिल्कुल, और ऊपर से 48 megapixel कैमरा। Realme 2 Pro में अंडरक्लॉक्ड है, MI A2 में अंडरक्लॉक्ड है, तो ये है। और जो अपना M2 Pro है उसमें कैसा है Asus के अंदर? M2 Pro के अंदर मेरे हिसाब से स्टॉक एंड्रॉइड के साथ ना वो सही किया कि सही लेवल पे एक अंडरक्लॉक है, ऐसा मैंने फील किया। अंडरक्लॉक है बट वो सही लेवल पे लगा मेरे को। चलो और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नोट 7 प्रो की, 675 क्या लगता है? तो ऐसा लगता है एक तो उसमें Sony का IMX586 सेंसर आएगा, मेरे हिसाब से वो अच्छी इमेज क्वालिटी देगा। ऊपर से मेरे को लगता है वो ज्यादा पॉपुलर होगा और मेरे को नहीं पता कि वो किस नाम से आएगा इंडिया में, मेरे को ये भी डाउट है। नहीं नाम तो वही रहने वाला ना कि जैसे अब जो अभी उन्होंने वहाँ पे नोट 7 लॉन्च किया तो उसको यहाँ पे नोट 7 कर देंगे, फिर इंडिया में उसको नोट 7 प्रो कर देंगे, क्योंकि हर साल ये दो फोन लॉन्च करते हैं, पिछले साल नोट 5 और नोट 5 प्रो। और नोट 6 प्रो तो जबरदस्ती में उन्होंने लॉन्च कर दिया कि बस वो स्टॉक क्लियर करना है 636 का, उसको निकाल दो। लेकिन 48 megapixel पे कॉन्ट्रोवर्सी तो नहीं होगी ना यहाँ पे कि भैया 48 megapixel 660 सपोर्ट ही नहीं करता है? नहीं मैंने शर्मा जी वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था। जी हाँ एक बार ने यहाँ पर बता दिया है तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा कार्ड्स के अंदर। मैं बनाने वाला था फिर मैंने कहा यार भाई ने बना तो दिया है, हम क्यों बनाए जबरदस्ती। तो मैं जो है वो कॉपी करने में कम विश्वास रखता हूँ, लेकिन लोग जो है वो बस जबरदस्ती बना दो बस आन दो व्यूज आन दो ये रहता है। तो
मतलब कहने का मतलब ये है ना कि 7 प्रो और 7 नोट 7 काफी कमाल मेरे हिसाब से हिट करने वाले इंडिया में बिल्कुल और एक चेतावनी दे देते हैं यहाँ पर जो उनकी कंपटीशन कंपनियां हैं Realme Samsung और Asus भैया देख लो कंपटीशन यहाँ शुरू टाइप योर बेंच अब तुम कहाँ पे हाँ कुर्सी की पेटी बांध ले मौसम खराब होने वाला आगे 2019 का मौसम कैसा रहेगा वो तो आप और हम मिलकर देखेंगे लेकिन आज इस सेकंड ओपिनियन में संचित के साथ मिलकर बात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगा होगा ठीक है जी ठीक है जी बिल्कुल ठीक है जी कैसा लगा संचित आपको इस वीडियो में आकर के मेरे को बहुत अच्छा लगा और ऐसे ऐसे छोटे मोटे कोलैब मेरे हिसाब से करते रहेंगे बिल्कुल जी हाँ हमने ये सीरीज इसलिए रखी है कि सेकंड ओपिनियन में आपको मिलाएंगे एक विशेष पर्सनैलिटी के साथ में जो अपने फील्ड में एकदम एक्सपर्ट रहेगी ठीक है जी तो चलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की भैया फ़ोन तो हर कोई ले चाहे ना ले लेकिन एप्लीकेशन तो बहुत ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं और पहली जो एप्लीकेशन है वो वेले लोगों के लिए है मतलब आप कितने वेले हो और सारा दिन जो है फ़ोन में ही लगे रहते हो कि आपको नहीं पता है कि आप कितने घंटे जो है वो यूज़ करते हो लेकिन हाँ एक ऐप आई है योर आवर यानी कि आपके घंटे आपको बता सकते हैं कि आप कितनी देर जो है वो फ़ोन को यूज़ करते हैं फटाफट से देख लेते हैं इसको एप्लीकेशन आपको जो है वो गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी iOS पे फिलहाल जो है वो नहीं है तो आप इसको जो है बड़े ही आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं योर ऐप योर फ़ोन योर टाइम टू वेस्ट इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है आप जो है वो सेट कर सकते हैं कि आप जो है कितने घंटे फ़ोन पे स्पेंड करना चाहते हैं हालांकि आज तक आपने सोचा नहीं होगा कि आप कितने घंटे स्पेंड करना चाहते हैं लेकिन आप इसको सोच करके जो सेट कर सकते हैं मान लीजिए हम यहाँ पर डालते हैं कि हमने जो है वो 3 घंटे डालने हैं और बाद में जो परमिशंस हैं वो आप इसको सब जो है अलाउ कर दो ताकि तभी आपको ये जो है बेटर रिजल्ट दे पाएगा तो मेरे यहाँ पर 3 घंटे शुरू होते हैं अब हालांकि ये जो एप्लीकेशन है हमारी टीम जो काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही है तो आप देख सकते हैं कि उनका जो यूज़ है वो किस हिसाब से यहाँ पर जो है वो मिलता है और आप देखिए जो यहाँ पर यूज़ है अब बताता है कि आपने फेसबुक पर कितना टाइम स्पेंड किया व्हाट्सएप में कितना किया ट्विटर में कितना किया यूट्यूब में कितना किया तो यहाँ पर आपको और ये दिखा भी देता है कि आपने एक्सेस कर दिया मतलब कि आपने जो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है तो आप खुद को भी जो है कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरह की एप्लीकेशन है आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको जो काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपके यूज़ के हिसाब से आपको बताएगा कि आप जो एडिक्टेड हो ऑब्सेस्ड हो डिपेंडेंट हो हैबिटेबल हो अचीवर हो कि आपने जो है टाइम थोड़ा कम किया या नहीं तो ये बहुत ही उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल वेले हैं सारा दिन फ़ोन चलाते रहते हैं ज़रूर से इसको यूज़ कीजिए ताकि आपको कुछ बेनिफिट यहाँ पर मिले और आपको भी पता लगेगा कि आप कौन से ऐप के ऊपर ज़्यादा टाइम यहाँ पर जो है वो वेस्ट कर रहे हैं तो वेस्ट कम कीजिए टाइम का सदुपयोग कीजिए क्योंकि आपका घंटा जो है वो बहुत वैल्यूबल है मतलब कि आपके घंटे जो है वो बहुत वैल्यूबल है तो क्या आप ऑब्सेस्ड हैं अपने फ़ोन से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा लेकिन पहले इस ऐप को यूज़ करना चलाना और फिर बताना कि आप जो है वो ऑब्सेस्ड हैं एडिक्टेड हैं या स्मार्ट हैं या पता नहीं क्या क्या है ठीक है दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है भैया पैसे की आप पैसे से तो प्यार करते ही हैं दुनिया में हर कोई पैसे से ही प्यार करता है इंसानों से तो कोई प्यार करता ही नहीं और हमसे तो कोई भी नहीं करता है नहीं करता ना वीडियो को लाइक तो करते नहीं आप जल्दी से लाइक करो पहले वीडियो को फिर अब बताएंगे आपको एक पैसे से प्यार करने वाली ऐप के बारे में भाई ऐसा ही नाम है मनी लवर जी हाँ मनी लवर नाम की जो एप्लीकेशन है और ये आपको पैसे से प्यार करना सिखा देती है कैसे देख लो मनी लवर ऐप जो है आप एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से और एप्पल के आई स्टोर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं बड़ा ही आसान है डाउनलोड करना और सेटअप करना आपको जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा किसी भी अकाउंट से गूगल फेसबुक या फिर आप नया क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका डेटा सारा जो है वो सिंक रहेगा करेंसी आप चूज़ कर लीजिए आपको रुपए में चाहिए या फिर डॉलर में चाहिए तो भैया हम तो रुपए वाले हैं कैश में करते हैं कार्ड में करते हैं तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर जो 20,000 बजट डाल दिया है आपकी सैलरी कितनी है ज़रा बताना कमेंट सेक्शन के अंदर तो आप मंथली बजट के हिसाब से यहाँ पर जो है सेट कर सकते हैं आपने डाल दिया है बजट और उसके बाद में आप जो भी यहाँ पर एक्सपेंस करते हैं आप उसमें जो है बजट सेलेक्ट करके आप जो एक्सपेंसेस डालना शुरू कर सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं तो आप उन कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पर कर सकते हैं आपने खाना खाया डोमिनोज पिज़्ज़ा लिया रिचार्ज कराया जो भी कराया आप जाकर कैटेगरी वाइज उसको सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं तो ये वाली एप्लीकेशन आपको जो है बहुत ही मदद करती है आपके मंथली बजट को ट्रैक करने में और आपको ये पता लगता है जब आप इसमें अच्छा 2-3 महीने का डेटा लगा देते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपने जो है वो कितना ओवर यूजेस लिया है कितना जो है वो स्पेंड किया है कैश में कितना स्पेंड किया कार्ड में कितना किया वॉलेट में कितना किया यानी कि पेटीएम वॉलेट या वगैरह से तो वो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं नई नई कैटेगरी बना सकते हैं तो बड़ी ही एक अच्छी एप्लीकेशन है तो जो लोग अच्छे से प्लानिंग करना जानते हैं क्योंकि उनको पता होना चाहिए सेविंग इज इक्वल टू अर्निंग कि जितना आप बचाएंगे उतना अर्न करेंगे तो उस हिसाब से ये वाली एप्लीकेशन जो बहुत ही बढ़िया है तो मनी को लव करना शुरू कर दीजिए लेकिन इंसानों से भी लव बिल्कुल मत छोड़िए ऐप का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं तो हुआ नहीं हुआ आपको पैसे से प्यार मुझे उम्मीद है पैसे से प्यार हो गया होगा और नहीं हुआ है ना तो ये वाली एप्लीकेशन अपनी वाइफ को दे दो कि देख कितना खर्चा करती है नोट करके रखा कर मैंने तो दे रखी है तब से थोड़ी सी सेविंग जो है मेरी बढ़ गई है तो कैसी लगी शर्मा जी की स्पेशल वीडियो उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी लेकिन पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है अभी और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बाकी हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि मेरी तरफ से जो रेकमेंडेड स्मार्टफोन्स हैं बजट के हिसाब से वो आप ले सकते हैं इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे तो फटाफट से आपको नाम और प्राइस बता देते हैं
ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनके वीडियोस हमारे चैनल पे देख सकते हैं। पहला स्मार्टफोन है, उसका नाम है Redmi का 6 Pro, आज की तारीख में आपको 9,999 का मिल जाता है। दूसरा स्मार्टफोन है यहाँ पर Asus का Zenfone Max Pro M2, कीमत यहाँ पर रखी है उसकी लगभग 13,000 रुपये, जो कि आप ले सकते हैं, बड़ी ही खतरनाक तरह की स्पेसिफिकेशन साथ में मिलता है। उसके बाद में आता है तीसरा फ़ोन जिसका नाम रखा है Poco F1 जो है वो स्पीड के हिसाब से यानी कि स्नैपड्रैगन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, प्राइस के हिसाब से भी है, थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, लेकिन 20,000 रुपये के अंदर दूसरा कोई फ़ोन उसको जो है वो यहाँ पे बीट नहीं कर सकता है। चौथा फ़ोन हमने यहाँ पर जो निकाला है उसका नाम है नोकिया का 8.1, 27,000 रुपये का मिलता है, स्नैपड्रैगन के 710 के साथ में मिलता है। नोकिया की यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर मिलती है, हालांकि इससे बढ़िया भी कुछ फ़ोन आप बोल सकते थे कि आप 5G ले सकते हो या फिर OnePlus या कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमारी यहाँ पर इस लिस्ट में जो है वो नोकिया ने अपनी जगह बना रखी है। देखेंगे अगले वीक में कौन सा जो है वो हट सकता है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो एक फ्लैगशिप वाला ऑप्शन है, तो अगर आप अभी तक की बात करते हैं आज की तारीख में कौन सा करंट फ्लैगशिप है, तो आप सैमसंग के गैलेक्सी नोट 9 को देख सकते हैं या फिर आप जो है वो आईफोन के XS Max को भी देख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बजट जो है फ्लैगशिप वाला है। हालांकि आईफोन जो है वो सिर्फ एक शो ऑफ की चीज़ है, तो आप कोई सा भी आईफोन लेके शो ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से यहाँ पर एक रिकमेंडेड लिस्ट फोन्स की। इतना ही नहीं, अगले एपिसोड में मैं आपसे जो है वो कुछ सवाल भी लेने वाला हूँ, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल होना चाहिए तो वो आप कीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर और लिख दीजिए कि मेरा सवाल। जी हाँ, ये सेक्शन रहेगा यहाँ पर मेरा सवाल, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि 10 ऐसे बढ़िया सवाल को चुनूँ जिनको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले होंगे। तो आप कुछ भी जानना चाहते हैं मुझसे तो बस 10 लाइक नहीं 10 सवाल लूँगा मैं यहाँ पे और सबसे ज़्यादा लाइक जो है वो होने चाहिए। तो क्या करना है आपको, फटाफट से करना है कमेंट इस वीडियो के सेक्शन के अंदर। आने वाले एपिसोड्स में आपको जो है वो गिव अवे देखने को भी मिलेंगे, हालांकि ये पहला एपिसोड है तो यहाँ पर मैंने कोई भी गिव अवे जो है वो नहीं दिया है, लेकिन जो पिछला गिव अवे दिया था Movistar के X1 नॉच वाले फ़ोन का, उन तीनों के विनर्स के नाम आपको यहाँ पर जो है बता रहा हूँ। तो अगर आप ये वाला एपिसोड ध्यान से देखेंगे तो आपको अगले एपिसोड में यानी कि अगला जो एपिसोड आएगा कुछ ना कुछ जीतने को मिलेगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा तरीका हम निकालेंगे ताकि आपको जो है मदद मिल पाए। और तीनों ही विनर्स को बहुत बहुत बधाई, आप अपना जो डिटेल्स है वो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, तो उनको जो है वो दे दीजिएगा, और अगर हो सके तो अपना ट्विटर हैंडल भी जो हमें बता दीजिएगा आपके वीडियो में ही जहाँ पर आपने ये वाला कमेंट किया था उसके नीचे जा करके। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब जो है वो इस वीडियो को ख़त्म करने का जो है टाइम आ गया है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये वीडियो जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस मेरे हिसाब से शायद YouTube पे आज की तारीख में नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को हर हफ्ते आपको ला करके दूँ, हर हफ्ते नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते में एक बार ला करके ज़रूर से दूँ, क्योंकि इस तरह की वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है लगी है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार इस तरह से बनाए रखेंगे और हम इस चैनल को और आगे तक लेके जाएंगे, नई नई चीज़ें आपके लिए करते रहेंगे, बनाते रहेंगे और आपको जो है वो सच्चाई से अवगत कराते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। आई बात समझ में? इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारे साथ बोलते रहिएगा। भारत माता की जय।